नमस्कार दोस्तों, सोडी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ फवारा चौक कटरा जमीर में और यहीं से ही वैष्णो माता मंदिर, वो आप ऊपर देख रहे हो, यहीं से चढ़ाई होती है माता मंदिर की। और अभी समय की बात करें तो सुबह के 7 बज चुके हैं और तारीख है 27। तो गाइस सुबह 10 बजे यानी 26 जून सुबह 10 बजे हम अपनी ट्रैवलर बस से बहादुरगढ़ हरियाणा से निकले थे वैष्णो देवी के लिए और लगभग 13 घंटे में यानी कि रात को 11 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो हमें पहुँचने में लगभग 13 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। अगर आप अपनी कार से निकलते हैं तो लगभग 9 से 10 घंटे में मैक्सिमम आप यहाँ पहुँच जाओगे। रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो गाइस जम्मू में रोड का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो जाता है, बाकी सारा ट्रैफिक स्मूथ है। आप अपनी कार से 9 से 10 घंटे में इजीली पहुँच सकते हैं वैष्णो देवी। तो गाइस इस चौक को फवारा चौक बोलते हैं, आप देख सकते हैं ये फवारा चौक है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे ऊपर वैष्णो माता मंदिर के पास जाने के लिए, जहाँ से चढ़ाई होती है। ये है कटरा का बस स्टैंड। गाइज आप देख सकते हैं ये पंजीकरण काउंटर, यहाँ से आपको पंजीकरण कराना ऊपर यात्रा के लिए। तो गाइज अब पंजीकरण के साथ साथ यहाँ पर फोटो भी खींचा जाता है, तो इसलिए अपना पंजीकरण यहीं काउंटर से ही कराएं। ऑनलाइन कराओगे फिर भी आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा, आपको पंजीकरण यहीं से करा लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आपने पंजीकरण करा लिया? अच्छा, तो इन्होंने क्या फोटो वोटो भी खींचा है क्या आपका? यहाँ आपको अपना नाम और पिन कोड बताना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो भाई साहब ये बच्चे आपके साथ हैं, इनका भी फोटो खींचा था क्या? इनका नहीं, जो 7 साल के बच्चे हैं उनका फोटो था और छोटे वाले होता है 7 साल से नीचे जिसकी एज है उन बच्चों का फोटो नहीं होता। तो ये सभी लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, कुछ ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कुछ अभी गए हुए हैं, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर ये लोग यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे। ये सभी लोग हमारे साथ आए हुए थे। सोनू भाई हो गए सबके रजिस्ट्रेशन? सबके अब ये यात्रा के लिए तैयार हैं। तो एक बार जयकारा लगा दो जोर से, बोल बोल सच्चे दरबार की, शेरावाली भैया की, भैरव बाबा की। तो ये सभी लोग तैयार है, भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, इनकी यात्रा सफल करे, इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलकारी हो। और जिस भी मनोकामना से ये लोग यहाँ आए हैं, भगवान इनकी वैष्णो माता इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। तो गाइस यहाँ सबसे मोटी एक समस्या है आपके फ़ोन के नेटवर्क की। जैसे ही आप लखनपुर बॉर्डर से जम्मू में एंटर करेंगे आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाएगा और आप ना तो कोई फ़ोन आ पाएगा ना जा पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर सिम काउंटर हैं, यहाँ मोबाइल शॉप्स हैं, यहाँ से आप सिम ले सकते हैं। आपको आधार कार्ड देना होगा, ये आपको विद इन 5 मिनट सिम दे देंगे रेडी करके, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस यात्रा के लिए तो मैं नहीं जा पाऊँगा मंदिर में क्योंकि मैं यहीं आराम करूँगा, गाड़ी भी चलानी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।